आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल फ्यूचर ऑनलाइन क्लासेस में। और आप सभी लोगों को एक महत्वपूर्ण सूचना व जानकारी बताना है, इसलिए काफी इम्पोर्टेंट था, इसलिए मैं बाहर से ही लाइव आ चुका हूं। और आप सभी लोगों को मैं बता दूं कि बिहार सेवेंथ फेज नियमावली के ऊपर जो है मोहर लग चुकी है। और आप सभी लोग जो है काफी मतलब सवाल है आपके मन में कि एग्जाम कब होंगे, एग्जाम होंगे या फिर नियमावली में संशोधन किया जाएगा, आंदोलन अभी भी चल रहे हैं। मैं अभी आपको बता दूं कि पटना में अभी आंदोलन चल रहे हैं, मैं गया था वहां से आ भी गया हूं, लेकिन मैं उतना रुका नहीं क्योंकि मुझे लगा नहीं कि वो कुछ बेनिफिशियल है आप सभी लोगों के लिए, इसलिए मैं चला आया। मैं आपको बता दूं कि आंदोलन करना जो है अब कोई उसका फायदा मुझे नहीं दिख रहा है, क्योंकि अभी जो है आपको मैंने एक नोटिस आपको बताया होगा कि कल जो है शिक्षा मंत्री जो है एक सभा में जो है उन्होंने साफ तौर पर बोल दिया कि जो बच्चे या जो अभ्यर्थी जो है बीपीएससी के द्वारा एग्जाम नहीं देंगे वो शिक्षक नहीं बन पाएंगे। यानी कि साफ साफ तौर पर जो है ये क्लियर हो चुका है शिक्षा मंत्री के द्वारा कि अब जो है कोई भी आपके जो है नियमावली में जो है कोई भी संशोधित नहीं होने वाली है। यानी कि अब आपको जो है बिहार में शिक्षक बनना है तो भाई बीपीएससी का एग्जाम देना ही पड़ेगा, चाहे वो पुराने वाले स्टूडेंट हो चाहे वो नया वाले हो। यानी कि आपको जो है बीपीएससी के द्वारा कंडक्ट एग्जाम को देना ही पड़ेगा, नियमावली में कोई भी संशोधित होने की बात जो है उन्होंने नहीं कहा है। उन्होंने साफ साफ तौर पर बोल दिया है कि अगर आप जो है पढ़े जिस चीज से आपने पहले पढ़ा है अगर उसके जो है कुछ क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाते हैं तो फिर आपको शिक्षक बनने का कोई अधिकार नहीं है। साफ साफ तौर पर जो उन्होंने कहा है कि कोई भी संशोधन नहीं होगा, ना ही आपको कोई भी उसमें संशोधित किया जाएगा। यानी कि सीधे सीधे तौर पर उनका कहना है कि इस साल आपका जो है विद इन 4 महीनों के अंदर में जो है सारी प्रक्रिया जो है संपन्न कर लिया जाएगा। यानी कि इस महीने के अंत तक या अगले महीने में जो है आपको आपका सिलेबस मिल जाएगा और फिर आपके एग्जाम को लेकर डेट वगैरह जारी हो जाएंगे। तो आप सभी लोगों से निवेदन है कि आंदोलन के चक्कर में नहीं पड़े। मैं आपको बता दूं कि पिछले 3 वर्षों से जो है आंदोलन हो रहे हैं लेकिन अभी तक जो है उसका कोई परिणाम नहीं निकला और आंदोलन का ही देन है कि इस तरह की जो नियमावली है वो पारित हो गया। समझ रहे हैं, पहले क्या था कि सीटेट बीटेट स्टेट क्वालिफाई कीजिए, डीएलएड कंप्लीट है और आपका ज्वाइनिंग मिल जाता था, टीचर आप बन जाते थे, नियुक्ति हो जाते थे। लेकिन अब आपको जो है बीपीएससी के आयोग के द्वारा जो है एग्जाम देना होगा, उस एग्जाम में आपको नंबर लाने होंगे, मेरिट बनेगा, तो ही आप जो है बिहार में शिक्षक बन सकते हैं। और बिहार में शिक्षक वही बन पाएंगे जो बिहार के रहने वाले हैं, अदर स्टेट के बच्चे बिहार में शिक्षक नहीं बन पाएंगे। तो साफ साफ तौर पर जो है शिक्षा मंत्री ने बोल दिया है भाई कि अब जो है कोई भी संशोधित नहीं होगा और आपको जो है शिक्षक बनना है बिहार में तो आयोग के द्वारा जो कंडक्ट होंगे एग्जाम उसे आपको देना ही पड़ेगा, बिना एग्जाम दिए जो है आप बिहार में शिक्षक नहीं बन सकते हैं। तो प्लीज आप सभी लोग जो है पढ़ाई के ऊपर फोकस कीजिए, इधर उधर की बातों को मत मानिए, क्योंकि मुझे भी जहां तक लग रहा है कोई भी संशोधित होने की बात नहीं है। आंदोलन करने वाले करने दीजिए, मैं उसको रोक नहीं रहा हूं और नहीं मैं उसको भला बुरा बोल रहा हूं। आंदोलन करना अच्छी बात है, अपनी मांगों को लेकर सरकार के समक्ष रखना अच्छी बात है, उन्हें लग रहा है कि कुछ गलत है तो अपनी बातों को रखेंगे, लेकिन सरकार जो है अपने एक अलग फायर मूड में है। वो कह रही है कि हम बदलेंगे ही नहीं, वो कह रही है कि हम इससे पीछे हटेंगे नहीं, कोई संशोधित नहीं करेंगे। तो इसका मतलब क्या होता है कि आपको जो है तैयारी में लग जाना चाहिए, क्योंकि तैयारी में लग जाइए, बहुत कम समय है, क्या पता कल आपको जो है नोटिफिकेशन आ जाए, क्या पता बहुत जल्द आपका एग्जाम हो जाए। तो प्लीज आप सभी लोग जो है तैयारी में लग जाइए। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में आप सभी लोगों से। अंत में यही कहूंगा, आपको जो अच्छा लगे वो करें, लेकिन मेरा एक बात मानिएगा, आप सभी लोग पढ़ाई में लग जाइएगा, क्योंकि सरकार जो है रवैया उनका साफ है कि अब जो है बिना एग्जाम लिए मैं टीचर नहीं बनने दूंगा बिहार में बच्चों को, क्लियर कट है बातें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच, जय हिंद जय भारत। धन्यवाद, ओके, जय हिंद जय भारत।